मेरा सर कहना यह है कि कुंडली देख के ही पता लग गया कि हमारी शादी इस तिथि को होगी। ये आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। कुंडली देख के ही हमें पता लगना चाहिए कि हमारा डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, और कुंडली देख बिल्कुल के पता लग होना जाएगा, चाहिए अगर वही डाइवोर्स मैं कह रहा हूं। होगा सेकंड मैरिज होगी कि नहीं होगी, क्या ये हाँ क्षमता बिल्कुल ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में है बिल्कुल या नहीं। हाँ बिल्कुल है, वही वही क्षमता है, क्योंकि जब डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स भी हम देख लेते हैं कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, और उसके बाद सेकंड मैरिज होनी है नहीं होनी वो भी बता देंगे, तो ये क्षमता तो है ही है, ये तो बता ही रहे हैं, यही तो बता रहे हैं उनके। तो जो कुंडली आपने जो अभी अध्ययन किया था उसमें देख के क्या ऐसा प्रतीत हो सकता है, पता लगाया जा सकता है कि इसका डाइवोर्स तो नहीं होगा, और डाइवोर्स अगर हो नहीं सकता वही तो शादी क्यों करेगा। नहीं वही मैंने कहा कि 8th हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है, अगर 8th हाउस बुरी तरह से एफ्लिक्टेड होता तो हम कहते कि डाइवोर्स होगा, 8th हाउस के साथ सारे बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन, तो फिर डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अगर ये एफ्लिक्टेड होता मेलिफिक प्लैनेट से, तब हम कहते कि हाँ डाइवोर्स होगा, शादी नहीं करनी चाहिए, फिर तो मैं खुद ही कह देता कि शादी करने का कोई फायदा नहीं है, बट ऐसा इंडिकेशन नहीं है उसमें, ऐसा इंडिकेशन है कि डिले तो है शादी में, बट दिस इज नॉट ए केस ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज। इसका मतलब जो हमने आज एनालिसिस की है उससे ये स्पष्ट होता है कि मैरिज की पॉसिबिलिटी है, और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि 8th हाउस अफ्लेक्टेड न होने की वजह से डाइवोर्स की भी कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अतः सेकंड मैरिज का सवाल ही नहीं होता। यही मेरा क्वेश्चन बिल्कुल था, शायद आपने इसका जवाब दे दिया। बिल्कुल हाँ, सेकंड मैरिज का क्वेश्चन जब तो आएगा, जब डाइवोर्स हो, अगर आप कहें कि सेकंड हाउस बहुत अच्छा है तो सेकंड मैरिज होगी ही होगी, वो कोई रीजन नहीं है, पहले डाइवोर्स होगा तब सेकंड मैरिज की बात होगी। डॉक्टर साहब कर्णवाल साहब, आपको कुछ इस विषय में पूछना हो तो पूछें, फिर उसके बाद मैं दूसरे विषय पर चर्चा प्रारंभ करनी चाहूंगा। मैं जो आपने बहुत ही अच्छा, जैन साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है जो मेरी क्वेरीज थी, थैंक यू फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर जैन। नहीं, थैंक यू सो मच, आप आए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इट्स माय आएंगे, कुछ प्लेजर। क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आप हाँ।